नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आपकी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, होने वाली हैं एक दो दिन में, और आप शुरू करने वाले हैं अपने स्कूल को दोबारा से। समर वेकेशन में जो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी वो उनका भी समापन हो गया है, यानी कि जब आप स्कूल जाएंगे तो अब आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ 12th क्लास के पेंटिंग सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, जो उनका सिलेबस इस बार होने वाला है। पिछले बार क्या हुआ था कि कोविड के चलते आपके सिलेबस को दो टर्म में विभाजित कर दिया गया था, दो बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू, तो आधा आधा सिलेबस आपको पढ़ना हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार होंगे, यानी कि आपका पूरा सिलेबस इस वक्त आपको दिया जाएगा। उससे पहले साल क्या हुआ था कि आपके कुछ जो टॉपिक्स थे उनको डिलीट कर दिया गया था। कुछ सब्जेक्ट में तो वो चीज़ें ऐसे ही रिमेन रखी गई हैं, कंटिन्यू ऐसे ही चलेंगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में क्या है कि उस सिलेबस को वापस से ऐड कर दिया गया है। तो हमारे पेंटिंग से किसको हटाया गया है, किस टॉपिक को रखा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे इस वीडियो में। तो बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप ऑनलाइन मोड में पढ़ना पसंद करते हैं, आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका जो पेंटिंग का कोड है वो है 049। ठीक है बेटा, 049 कोड में जो पेंटिंग सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो 30 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड में, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, और कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि लघु चित्रकला। तो बेटा 10 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो है मुगल और दक्षिणी स्कूल की लघु चित्रकला, तो 10 नंबर का आपका इसमें से आएगा। और जो थर्ड है वो है आपके बंगाल स्कूल पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, यानी कि बंगाल स्कूल पेंटिंग और आधुनिक कला, भारत की आधुनिक कला। तो 10 नंबर का आपसे इससे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपकी तीनों यूनिट्स 10-10 नंबर में बटी हैं, यानी कि 30 नंबर का पेपर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। जो आपकी पहली यूनिट है राजस्थानी और पहाड़ी, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो 16 से 19वीं शताब्दी के मध्य जो भी चित्र बनाए गए उनको आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पाल शैली के कुछ चित्र, राजस्थानी शैली के, मुगल शैली के, और सेंट्रल इंडिया के, दक्षिणी भारत के और पहाड़ी केंद्र के, उन सभी चित्रों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसका राजस्थानी शैली का उद्भव विकास आप लोग पढ़ेंगे, और कौन कौन सी शैलियों को पढ़ेंगे, तो मेवाड़ को, बूंदी को, जोधपुर को, बीकानेर को, किशनगढ़ को, और जयपुर शैली को मेनली आप यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थानी स्कूल के मेन फीचर्स यानी कि मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, और आपको जो चित्र राजस्थानी शैली से पढ़ने हैं वो है मारू रागनी, जो साहबदीन ने बनाया था मेवाड़ शैली में, चौगान प्लेयर्स चित्र जो दाना प्रसाद ने बनाया था जोधपुर शैली में, कृष्ण ऑन स्विंग यानी झूले पर कृष्ण जो नूरदीन ने बनाया था बीकानेर शैली में, राधा बनी ठनी चित्र को बनाया था निहाल चंद ने किशनगढ़ में, और चित्रकूट में भरत और राम का जो मिलन हुआ था जिसको गुमान चित्रकार ने बनाया था जयपुर शैली में। तो इन 5 चित्रों को आप राजस्थानी स्कूल में पढ़ेंगे। दूसरा, पहाड़ी स्कूल में आपको उसका पहले उद्भव विकास पढ़ना है, किसने पहाड़ी स्कूल की शुरुआत करी, किस राजा के समय वो अपने पूर्ण यौवन पर या चरम पर पहुंची, और उसके बाद आप जो सब स्कूल्स उसके अंदर से पढ़ेंगे वो है बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा और गढ़वाल। ठीक है, पहाड़ी स्कूल के मेन फीचर्स यानी कि विशेषताओं को आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और किन चित्रों का आपको यहाँ पर विवरण देना है, पढ़ना है, तो वो है सिर्फ 2 चित्र, कृष्ण वेद गोपीज नंद यशोदा।
ठीक है, मतलब कृष्ण के साथ गोपी, नंद और यशोदा मानकू का चित्र है बसोली का। और एक है कृष्ण और कृष्णन, मतलब कि कृष्ण के साथ गोकुलवासी, किन्समैन मतलब जो कृष्ण जी के गांव के लोग थे, गोकुल में कृष्ण जी रहते थे, तो गोकुलवासी कृष्ण के साथ वृंदावन जाते हुए, जो कि नैनसुख का चित्र है कांगड़ा शैली का। तो पहाड़ी स्कूल से आपको सिर्फ ये दो चित्र पढ़ने हैं। यूनिट दो है बेटा जो आपकी है मुगल और दक्षिणी स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है उद्भव और विकास मुगल शैली का, मुगल शैली के मेन फीचर्स और एप्रिशिएशन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स। कौन कौन सी मुगल पेंटिंग आप पढ़ोगे, तो गोवर्धन पर्वत उठाते श्री कृष्ण जो कि मिस्किन का है, और फेल्कन बर्ड रेस्ट यानी कि बहरी बाज चित्र जो कि मंसूर का है, और कबीर और रैदास चित्र जो फकीरुल्लाह खां का है। उसके अलावा आपका जो चौथा चित्र है वो है दारा सिकों की बारात चित्र जो कि हाजी मतनी का है। मुगल आर्ट में आप इन चार पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। दक्षिणी शैली का उद्भव विकास बेटा आप पढ़ोगे और उसकी विशेषताओं को पढ़ोगे, और किन चित्रों को पढ़ोगे तो सिर्फ दो चित्र दिए गए हैं यहाँ पर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जो कि हैदराबाद शैली का चित्र है, और चांद बीवी पोलो या फिर चोगान खेलते हुए जो कि गोलकुंडा शैली का चित्र है। दक्षिणी शैली से सिर्फ दो चित्रों को यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब है 10 नंबर की आपकी लास्ट यूनिट द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया, तो ये आपको पढ़ना है शुरुआत से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को। इसके अंदर आप पढ़ोगे जो आपको नेशनल फ्लैग का चैप्टर दिया गया है और सिंबलिक सिग्निफिकेंस इसके फॉर्म्स एंड कलर्स को लेकर के जो दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ोगे। सेकंड आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्कूल की पेंटिंग का इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे, उसका उद्भव विकास आप पढ़ोगे, उसके प्रमुख विशेषताओं को आप पढ़ोगे, और जो पेंटिंग्स को आप यहाँ पर पढ़ोगे वो हैं यात्रा का अंत अवनींद्रनाथ टैगोर का, शिव और सती नंदलाल बोस का, राधिका अब्दुल रहमान चगुतई का, और मेघदूत रामगोपाल विजयवर्गीय का। यहाँ पर आपको 1-2 के बाद डायरेक्ट 4th एंड 5th दिख रहा है, यानी कि थर्ड चित्र को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि जो 30% कट का सिलेबस था वो अभी भी आपके सब्जेक्ट में कंटिन्यू है, मतलब अभी भी आपके बुक से कुछ चित्रों को कम किया गया है। बी है आपका मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया, ठीक है, आधुनिक दौर की जो कला है उसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो है राम समुद्र का मन मर्दन करते हुए राजा रवि वर्मा का, माँ और बच्चा यामिनी रॉय का, हल्दी पीसने वाली अमृता शेरगिल का, और मदर टेरेसा एम एफ हुसैन का चित्र। कुछ ग्राफिक प्रिंट्स जो आपको यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं वो हैं बच्चे सोमनाथ होर, देवी ज्योति भट्ट, दीवारों से सरोकार यानी कि ऑफ वॉल्स अनुपम सूद, आदमी औरत और पेड़ लक्ष्मा गोड़ का चित्र। तो ये चार ग्राफिक प्रिंट्स आप पढ़ोगे और चार ही स्कल्पचर आप पढ़ोगे, ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय दीपी राय चौधरी, संथाल परिवार, राम किंकर बैच, क्राइज अनहियर्ड मतलब अनसुनी चीखे अमरनाथ सहगल का, और गणेश मूर्ति शिल्प है पी वी जानकी राव का। तो बेटा ये है आपका 12th क्लास का फाइनल सिलेबस, जो कि इस बार एक ही टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो वही होगा, अभी तक तो वही होगा जैसा कि इस साल से पहले आता था, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आशा करती हूँ बेटा आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल बेटा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।